हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मजे की होने वाली है, तो आपने एंड तक देखनी है पूरी वीडियो। ओके, तो टॉपिक है हमारा आज का हाउ टू लुक ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप। जी हाँ, वो लड़कियाँ जिनको मेकअप नहीं पसंद या फिर उनको मेकअप करना नहीं आता, तो वो भी अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं। सबसे पहले अगर आपने कहीं जाना है तो अपने नेल पेंट को ज़रूर मेंटेन करें, और यहाँ पर मैंने एक नेल पेंट लगाया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसी के ऊपर मैंने अपना दूसरा नेल पेंट लगा लिया है। बाद में मैं इसको आराम से रिमूव कर लूँगी क्योंकि ये पील ऑफ है, और आप भी हमेशा पील ऑफ ही कोशिश किया करें कि नेल पेंट यूज़ करें, वो बहुत ही आराम से रिमूव हो जाता है। जब आप चाहें उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं, आपको थिनर वगैरह की कोई नीड नहीं होती पील ऑफ नेल पॉलिश में। और नेल पेंट्स में ना हमेशा न्यूट कलर यूज़ करें, ये आपके नेल्स को बहुत ज़्यादा क्लासी बना देता है। अच्छा, सेकंड थिंग है कि जब भी आप नेल पेंट को यूज़ करें उसके ऊपर इसका बेस कोट ज़रूर अप्लाई करें। ये ट्रस्ट मी, ये आपके नेल्स को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है, एक बहुत प्यारी शाइन आ जाती है आपके नेल्स पे। अच्छा, दूसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है रोज़ वाटर का स्प्रे। आप कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहते अपने फेस पे, कोई मार्केट वाले टोनर्स आपने यूज़ नहीं करने, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप रोज़ वाटर को एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लें। ये आपकी स्किन के लिए एक मैजिक की तरह काम करेगा। अगर आप इसको रोज़ अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी और साथ में आपकी स्किन की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद एक ज़बरदस्त सा क्लींजर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बोटैनिक्स कॉस्मेटिक्स का वाइटनिंग फेस क्लींजर। ये वाइटनिंग फेस क्लींजर है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करता है, और एक अच्छा क्लींजर आपने अपनी डेली रूटीन में लाजमी रखना है ताकि आपकी जो भी डेड स्किन है या आपकी स्किन में जो भी डेड पार्टिकल्स हैं वो सब आराम से रिमूव हो जाएँ। और जब आपकी स्किन से सारी डर्ट रिमूव हो जाएगी, तो आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करने लगेगी और आपकी स्किन को कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, तो नेक्स्ट आते हैं अपने बालों पे। अच्छा, हेयर स्टाइलिंग से ना आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। कोई क्यूट सी हेयर एक्सेसरीज आप अपने बालों में ज़रूर ऐड करें, हेयर क्लिप्स या फिर हेयर बैंड्स वगैरह। अच्छा, इसके बाद ना आपने अपने लिप्स की ख़ास केयर करनी है। आपने लिप्स को अपने वैसलीन से या फिर किसी अच्छे से लिप बाम से ख़ास तौर पे मॉइस्चराइज करने हैं, और इसके बाद आप इसको या तो फिर वाइप ऑफ कर लें या फिर इसको लगा रहने दें। अच्छा, इसके बाद मेन चीज़ पे आते हैं जो है सन ब्लॉक्स, और यहाँ ना मुझसे डबल क्वान्टिटी में निकल गई थी, और मैं हमेशा ये कर रही होती हूँ, हमेशा ज़्यादा निकाल लेती हूँ और फिर मुझे दबा दबा के इसको वापस डालना पड़ता है। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा लेना है और डॉट करके आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपकी स्किन को बहुत अच्छी सी टिंटेड इफेक्ट मिल जाएगा, और दूसरा ये कि आपकी स्किन पर बहुत अच्छी सी ग्लो आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, आपने एक आईब्रो ब्रश उठाना है और अपने आईब्रोज को कॉम करना है अपर डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके फेस पे बहुत अच्छा सा फिनिश लुक मिलेगा। और इसी तरह से आपने अपर डायरेक्शन में अपनी दोनों ब्रोज को सेट करना है अच्छे से। अच्छा, इसके बाद अपने लुक में आपने टॉप्स ज़रूर ऐड करने हैं, ज़्यादा बड़े ना हो, बड़े वाले एयरिंग्स ना हो, छोटे छोटे टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये आपके लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है विदाउट एनी मेकअप। यही कुछ टिप्स होती हैं जिनकी वजह से विदाउट एनी मेकअप आप अपने लुक को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसके साथ कोई पेंडेंट या फिर कोई चेन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपका लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ओके गाइस, तो इतने ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।